हेलो हाय नमस्कार मु रोही आपनकु स्वागत जनाउछि हमर यूट्यूब चैनल बायोज्ञान को। आज हमें पढ़ेबा कि लिविंग बॉडी रे सिग्नल ट्रांसडक्शन केमिति हेथाय, केमिति समान केमिति गोटे सेल अन्य सेल सहित कम्युनिकेट करिथाय, केमिति कथावार्ता हेथाय। तो चलो स्टार्ट करिबा। सिग्नलिंग काहाकु कहा जाए सब फर्स्ट आम देखिनेबा। सिग्नलिंग होची एक्सचेंज ऑफ इनफॉर्मेशन बिटवीन टू पॉइंट्स और सोर्सेस। जेते बड़े दीटा पॉइंट की दीटा सोर्स भितरे कोनोसी इनफॉर्मेशन रो एक्सचेंज हबो सेते बड़े ही आमे ताकू सिग्नलिंग कही थाउ। आ ए सिग्नलिंग रो प्लेयर्स के किए थांती। सिग्नलिंग रो प्लेयर्स रे सबरो फास्ट गोटे सिग्नल थिबो जे कि लिगांड भड़िया काम करिवो जहाकू कि लिगांड कुहा जाए। आ सेकंड रिसेप्टर, ए रिसेप्टर ही ए लिगांड को रिसीव करी थाए। ए फंडामेंटलटा यही कथाटा मुझ आगु भी गोटे क्लास रे जेते बड़े प्लांट रो क्लास नौ थी सेते बड़े मु कही सारी ये कथाटा सेंसरी फोटोबायोलोजी रे। एबे देखिने बा लिगान रिसेप्टर कहाँ कहाँ भितरे आदान प्रदान ही थे। जो सेल दीटा सेल मधरे कम्युनिकेशन हम फास्ट जो सेलटा ये सिग्नल मॉलिक्यूल को सिक्रिट करी थाए ताकु सिक्रिटिंग सेल कहा जाए थाए। से सिक्रिट कर दिए कौ भी सिग्नल नेक्स्ट सेल जहाँ उपरे कि से जाए कि बाइंड करिवो जहाँ उपरे ए सिग्नल मॉलिक्यूल रो रिसेप्टर थिवो ताकु टारगेट सेल कहा जाए थे। आ ए दी जण एमिति हिसाब रे ही एमिति ही कथावार्ता हे थांती। आ ए जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल कोठी प्रेजेंट थाए सेल मेम्ब्रेन रे। सब सेल रो गोटे सेल मेम्ब्रेन थाए आगरु भी तमे पढ़ी थिवो। आउ ए सेल मेम्ब्रेन रे लिपिड बायलेयर थाए एमती लिपिड प्रेजेंट थांती दी साइड रु एमती लिपिड प्रेजेंट थांती। आउ ए मझी मझी रे एमती प्रोटीन भी प्रेजेंट थांती बड़े बड़े ए प्रोटीन रो उपरे सरफेस उपरे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट थाए ये भी प्रेजेंट थाए। ता माने कौन टोटली सेल मेम्ब्रेन लिपिड प्रोटीन आउ कार्बोहाइड्रेट रे तैयारी हे थाए जहाँ भितर कि लिपिड सबुठ बेसी मिली थाए। ये भी तुमको देखिले देखा जाऊ एठी भी देखा जाऊ देखो एटा गोटे लेयर एटा गोटे लेयर लिपिड रो आउ मझीरे एटा गोटे प्रोटीन जिए कि रिसेप्टर भड़िया काम करुछि। आउ एटा हला लिगांड जिए कि रिसेप्टर रे आसी कि बाइंड होउछि। बाइंड हला परे इंट्रासेलुलर रेस्पोंस क्रिएट करुछि। देखो सिग्नल ट्रांसडक्शन हुए केमिति सबुरु प्रथमे फर्स्ट सेल जेते बेले सिग्नलटा सिग्नल मॉलिक्यूल को सिक्रिट कर देला ए सिग्नल जाय कि रिसेप्टर उपरे बाइंड हबो तारो रिसेप्शन हबो। बाइंड जेते बेले हला सेटा तारो रिसेप्शन हला। रिसेप्शन परे सेई सेल जो सेल ताकु रिसीव करछि ता भितरे सिग्नल रो एम्प्लीफिकेशन हबो। सिग्नलटा बहुत बेसी एम्प्लीफाई हबो देन ट्रांसडक्शन हबो आउ तापरे रेस्पोंस क्रिएट हबो सेई सिग्नल रो। देखो स्टेजेस सेम जिनस जोटा मु ऑलरेडी कही सारली। फास्ट सिग्नल मॉलिक्यूल आसीबो रिसेप्ट सेल मेम्ब्रेन उपरे रिसेप्टर अछि रिसेप्टर रे बाइंड करिवो तारो रिसेप्शन हबो देन भितरे से तारो ट्रांसडक्शन हबो किंबा एम्प्लीफिकेशन हबो। ता माने कोन एई रिसेप्टर आउ गोटे को प्रोटीन को एक्टिवेट करिवो सी आउ गोटे को साइटोप्लाज्म रे थिबा प्रोटीन को एक्टिवेट करिवो सी पुनी आउ कहारी को एक्टिवेट करबे एमती से सिग्नल रो ट्रांसडक्शन चालिवो गोटे परे अन्य आउ ता परे आउ अन्य सेमती ट्रांसडक्शन चालिवो। चलला परे फाइनली गोटे सेलुलर रेस्पोंस देखा जिवो। से रेस्पोंस पॉजिटिव वे रे थाउ कि नेगेटिव वे रे थाउ किंतु गोटे रेस्पोंस देखा जिवो। देखो सिग्नल ट्रांसडक्शन रो पाथवे रे तुम्हें कौन देख लो प्रथम रिकॉग्नाइजेशन हम जोटि लाइगैंड बाइंडिंग एंड सेल कॉन्टैक्ट हम देन ट्रांसडक्शन हम ये जो सिग्नलटा ट्रांसफर हम सेल रो भीतर को सेल रो इंटीरियर को देन मॉड्युलेट द एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन काइनेजेस एंड फॉस्फेटेजेस। आउ से टाइम रे प्रोटीन काइनेजेस एक्टिवेट हेबे नहेले फॉस्फेटेजेस एक्टिवेट हेबे एक्टिवेट हे डीआक्टिवेट हे जो हिसाब से सिग्नल आसी पॉजिटिव वे रे जदि सिग्नल जीवार अच्छे तो एक्टिवेट हे नेगेटिव वे रे हेले डीआक्टिवेट हे देन रेस्पोंस क्रिएट हेबो। रेस्पोंस रे फॉस्फोराइलेशन हो पारे नहले कौनसी अन्य जिनसर मॉड्युलेशन भी हो पारे। व्हाई डू सेल्स कम्युनिकेट एबे जानिबा कि सेल माने कम्युनिकेट कौन पई करंती। फर्स्ट
फर्स्ट हैला ड्यूरिंग डेवलपमेंट जेते बडे तांकर डेवलपमेंट चली थाए सेल्स डिफरेंशिएट टू अडॉप्ट स्पेशलाइज्ड रोल्स तमे एटा आग्रु भी जानिथिबो गोटे सेल रु थ्रू माइटोसिस एंड मेयोसिस रु मेयोसिस तो गैमेट सेल रे हेथाय गैमेट सेल फॉर्म बडे हेथाय किंतु जेते बडे डेवलपमेंट चलथाय बॉडी रो ग्रोथ चलथाय सेते बडे तो माइटोसिस हुए ना माइटोसिस हेला पोरे सेल कोनो से प्रिमिटिव स्टेज रे रहिथाय ना सी तारो एक्चुअल फंक्शन जो जेंति लिवर सेल सी स्टेम सेल रु डिफरेंशिएट हेला लिवर सेल गोटे स्टेम सेल रु डिफरेंशिएट हेला बहुत सारा लिवर सेल ए जो बहुत सारा लिवर सेल डिफरेंशिएट हेले से निजरो फंक्शन भी तो गेन करिवे डिफरेंशिएट हे सरला परे फंक्शन गेन करिवा कि गोटे स्पेशलाइज सेल हबा ए टाइम रे से बो सेल माने निज भितरे कम्युनिकेट करी थांती कथा हे थांती जे मु कौ सेल टाइप बनेबी तू कौ सेल टाइप बनेबो जणे गोटे सेल टाइप बनेला हेले सीए पाखो सेल को कहिबो कि मु ऑलरेडी ए जिंसटा बनौछि एटा तो मु बने पारिबी मु जोटा बने पारुनी तू सेटा बना तू काई मु हिसाब रो फंक्शन तू नेबु कि सिमती देन सेकंड सेल्स जते सेल्स नीड टू नो वेदर टू लिव डाई और डिवाइड जते बडे तांको डिसाइड करिवार थाए कि समाने बंचिबे कि एबे तांको मरिवार अछि कि डिवाइड करिवार अछि सेमते बाहर गोटे सिग्नल आसिला कि तांको कहिला कि एबे हार्स कंडीशन अछि वाटर स्ट्रेस हो कि सालिनिटी स्ट्रेस हो तो ए टाइम रे डेथ मो जरूरी अछि गोटे पार्ट रो कि कोनसी प्लांट बॉडी हो कि एनिमल बॉडी हो कि कोनसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रो से पार्ट रो डाई हबो नहले पूरा ऑर्गेनिज्म रो डाई हबो से टाइम रे ही सेल्स से टाइम रे भी कम्युनिकेट करी थांती ऑब्वियसली से माने कम्युनिकेट करिवे हेले तो से माने पाखो एनवायरमेंट रे कोन चालू छि जानिबे से कम्युनिकेशन थ्रू रु ही से माने जानते कि पाखो एनवायरमेंट रे किसी स्ट्रेस अछि कि जदी स्ट्रेस अछि आ मते डाई मते मरिबार सिग्नल आसु छि हेले मु डाई करि जेबी मु आ बंची कि रहिबिनी आ जदी तांको सिग्नल आसु छि लिव बंची रहिबार देन से निजो को प्रोलिफरेट करिवे कि डिवाइड करिवे न्यूरो ट्रांसमिशन जेते बड़े ब्रेन रे ब्रेन सिग्नल ट्रांसड्यूस करे सिग्नल पठाए किंबा रिसीव करे सेते बड़े भी कम्युनिकेशन चले मेटाबॉलिज्म रो रेगुलेशन जेते बड़े हेई थाए तो बॉडी रे जेते भी मेटाबॉलिज्म होउछि एनिमल बॉडी हो कि प्लांट बॉडी ग्लाइकोलाइसिस साइट्रिक एसिड मेटाबॉलिज्म हो कि क्रेब साइकिल रो हो कि किछि भी चाहे सेटा कार्बन रो थाउ कि प्रोटीन रो थाउ कि लिपिड रो थाउ जो भी मेटाबॉलिज्म हुए तार तो रेगुलेशन जरूरी अछि ना से रेगुलेशन टाइम रे भी सेल कम्युनिकेट करंती कि मु केमिति रेगुलेट करबी गोटे प्रोडक्ट जदि बेसी तयारी हे गला फॉर एग्जांपल एटा गोटे एटा हला रिएक्टेंट जे कि परे प्रोडक्ट रे कन्वर्ट हबो थ्रू कोनोसी भी एंजाइम होउछि हैला देन जदी ए प्रोडक्ट आ बेसी तयारी हे गला फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस चली छि ग्लूकोज रु ग्लूकोज 6 फास्फेट तयारी हे गला आउ एबे ग्लूकोज 6 फास्फेट बहुत सारा अछि तो ऑब्वियसली ए ग्लूकोज 6 फास्फेट को ना को आडू सिग्नल जनरेट करिवो जहा कि से सेल को कहिबो कि ऑलरेडी ग्लूकोज 6 फास्फेट बहुत सारा अछि तो आउ बनाना सेटा गोटे टाइप रो सेटा भी तो मेटाबॉलिज्म रो रेगुलेशन ना वन टाइप ऑफ रेगुलेशन तो मेटाबॉलिज्म रो रेगुलेशन टाइम रे भी सेल कम्युनिकेट करी थांती देन कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन जते बेडे तुम मसल कंट्रैक्ट करूछि एक्सपैंड करूछि किछि काम कला बेडे कि दौड़ू छ कि किछि एक्सरसाइज करछ सेते बेडे भी सेल कम्युनिकेट करी थांती सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जेते बड़े डेवलप होता है जेते बड़े बॉयज एंड गर्ल्स एडोलेसेंस कंप्लीट करी थांती एडोलेसेंस को एंट्री नहीं थांती सेते बड़े तांको बॉडी रे बहुत सारा चेंजेस स्टार्ट होता है बोथ मेल एंड फीमेल फीमेल केस रे ब्रेस्ट डेवलपमेंट बॉडी रो जोठी फॉर एग्जांपल
ब्रेस्ट डेवलपमेंट हवा हाइट रो हाइट ग्रोथ हाइट हिसाब रे ग्रोथ बेसी हे जीवा मींस हाइट बेसी हवा मेल केस रे भी हाइट बेसी हवा बियर्ड आसीबा मस्कुलर बॉडी डेवलप हवा ए सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जोटा की डेवलप हे था प्यूबर्टी टाइम रे ए प्यूबर्टी टाइम रे भी सेल कम्युनिकेट करी थांती एक्चुअली सेल सब बेड़े कम्युनिकेट करू संती देन देखिबा कि सिग्नालिन केते टाइप रो अछि सिग्नालिन हो केते टाइप रो अछि ऑटोक्राइन सिग्नालिंग अछि जक्स्टाक्राइन अछि पाराक्राइन अछि एंड एंडोक्राइन अछि देखो सबरु प्रथमे ऑटोक्राइन कोन जते बेड़े गोटे सेल से निजे जो सिग्नल जेनरेट करुछि सेई लिगांड मॉलिक्यूल ता निजो उपरे ही बाइंड करी जाउछि निजो उपरे थिबा रिसेप्टर उपरे ही बाइंड करी जाउछि आ तारो नंबर बढ़ौछि सेई टाइम रे ऑटो सेई सिग्नालिन को ऑटोक्राइन सिग्नालिन कहा जाए एई टाइम रो सिग्नालिन को ऑटोक्राइन सिग्नालिन कहा जाए आ ऑटोक्राइन सिग्नालिन सबुठु बेसी कैंसर सेल रे ही थाए कैंसर सेल निजे ही सिग्नल जनरेट करे आ निजो उपरे थिबा रिसेप्टर रे ही तारो बाइंडिंग ही थाए आ से निजो को डिवाइड उपरे डिवाइड डिवाइड उपरे डिवाइड करी चली थाए देन सेकंड एग्जांपल्स भी एठी दिया है सेकंड हला जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग रे कोन हुए जतबडे दीटा सेल कांटेक्ट रे थिबे आ दी जन को गोटे सेल सिग्नल जनरेट करथिबो आ गोटे रिसीव करथिबो किंतु दी जन कांटेक्ट रे अछंती सेतेबडे तांको जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग बा कांटेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग कुहा जाय जतबडे तांकर फिजिकल इंटरेक्शन होथिबो देन पाराक्राइन सिग्नलिंग रे कोन हबो जो सिक्रेटरी सेल जो सेलटा लिगांड सिक्रेट करूची आ जेन जो जो सेलटा रिसीव करूची से सिग्नल को ए दी जण आखो पाखरे थिबे बेसी दूर रे नथिबे आखो पाखरे थिबे ए सेल टारगेट्स ए नियर बाय सेल जते बडे गोटे सेल आ नेक्स्ट सेल कम्युनिकेशन चली थिबा ए माने आखो पाखो थिबे बेसी दूर नथिबे सेतेबेळे पाराक्राइन सेई सिग्नलिन को पाराक्राइन सिग्नलिन कहा जाए आ एंडोक्राइन सिग्नलिन कोन एंडोक्राइन जेतेबेळे बहुत दूर रे थिबो गोटे सेल आ गोटे सेल बहुत दूर रे थिबे आ तांकर कम्युनिकेशन केमती हेबो फास्ट सेल तारो सिग्नल मॉलिक्यूल जनरेट कर देला से जेतेबेळे सिक्रेट करिवो से ब्लड स्ट्रीम रे मिसी गला आ जाई कि टारगेट सेल उपरे बाइंड करिवो तारो रिसेप्टर उपरे आ इफेक्ट देखेबो एटा कोन हैला बहुत दूर रे फॉर एग्जांपल तमर थायरॉइड ग्लैंड रु गोटे सिग्नल मॉलिक्यूल सिक्रेट हैला आ सेटा ब्लड स्ट्रीम रे मिसी के गला आ जो पर्टिकुलर गोटे ऑर्गन रे डेवलपमेंट करैबार थिला से तारो डेवलपमेंट कला ग्रोथ करैला तो एटा तो बहुत दूर बाट ता पई होउछि सेइथि पई एटा हैला एंडोक्राइन सिग्नलिंग एठी मु ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कहाकु कहा जाए पाराक्राइन कहाकु कहा जाए एंडोक्राइन कहाकु कहा जाए जक्स्टाक्राइन कहाकु कहा जाए तारो फुल डेफिनेशन दे देछि एबे देखो टाइप्स ऑफ लिगांड लिगांड किबा सिग्नल मॉलिक्यूल केते टाइप रो थांती ए माने दी टाइप रो थांती एक्स्ट्रा सेलुलर हे पारंती किबा इंट्रा सेलुलर सिग्नल हे पारे जते बेडे से सिग्नल मॉलिक्यूल टा एक्सटर्नल थिबो एक्स्ट्रा सेलुलर थिबो सेल बाहर आसु थिबो गोटे सिग्नल मॉलिक्यूल जदि सेल बाहर आसु थिबो सेल बाहर आसु थिबो आउ ए पर्टिकुलर सेल भितरे जनरेट हो नथिबो से बाहर आसु थिबो एक्स्ट्रा सेलुलर थिबो सेतेबेडे से इंटरसेलुलर सिग्नल करइबो ता माने कोन एई लिगांडटा अन्य को सेल जनरेट करथिबो तबे तो या पई एई लिगांडटा एक्स्ट्रा सेलुलर हैला आउ एई लिगांड जतेबेडे एठी बाइंड करइबो सेतेबेडे एई दि जण को भितरे कम्युनिकेशन हैला सेइथि पई एठी लेखा हिची इंटरसेलुलर सिग्नल इंटर माने दीटा सेल मझिरे एठी कोन होबो कम्युनिकेशन बिटवीन टू सेल देन देखो जदि इंट्रा सेलुलर सिग्नल थिबो एई सेल रो कोनोसी सेल एटा न्यूक्लियस भाबिनियो ए भितर रो कोनोसी सिग्नल मॉलिक्यूल थिबो सेल भितरे ही सिग्नल मॉलिक्यूल प्रेजेंट थिबो तबे सेटा इंट्रा सेलुलर लिगांड कुहा जिवो आ एई दी जण ही एक्स्ट्रा सेलुलर थाउ कि इंट्रा सेलुलर थाउ लास्ट रे कोन करिवे इंट्रा सेलुलर सिग्नल ही जनरेट करिवे आ इंट्रा सेलुलर रिस्पोंस ही देखैबे
देखो एबे रिसेप्टर भी देखिनो केते टाइप रो रिसेप्टर भी दीटा टाइप रो थानके गोटे सेल सरफेस रिसेप्टर गोटे इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। सेल सरफेस रिसेप्टर कौन जोटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपरे प्रेजेंट थिबो आ या पई जो लिगांड मॉलिक्यूल थिबो से कौन थिबो हाइड्रोफिलिक थिबो सेल रो बाहर अछि ना हाइड्रोफिलिक थिबो मेम्ब्रेन बाउंड सेल मेम्ब्रेन रे बाउंड थिबो ए रिसेप्टर आउ ए जो लिगांड जो आसी थिबो से रिलीज्ड इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस लोकल और पाराक्राइन और लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग ए जो सिग्नलिंग थ्रू या थ्रू रे हेई थाय सेटा पाराक्राइन सिग्नलिंग किंबा एंडोक्राइन सिग्नलिंग रे हेई थाय। इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर सेकेंड टाइप ऑफ रिसेप्टर इज इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर एठी कोन थिबो सिग्नल फॉर इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर ये कौन थिबो या पई जो सिग्नल मॉलिक्यूल थिबो से हाइड्रोफिलिक न थाई कि हाइड्रोफोबिक थिबो सेठी पई तो से भीतर को क्रॉस करि जिवो आउ ए रिसेप्टर इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर एदर साइटोप्लाज्म रे प्रेजेंट थांती नहले न्यूक्लियस भीतर भी प्रेजेंट रही पारंती। इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर देखुचे ए न्यूक्लियस भीतर अछि एबे आमे जो मोटो पाई पढ़ुचे कि सिग्नालिन बुझीबार अछि सिग्नालिन कौन गोटे सेल केमती कम्युनिकेट करुची अन्य सेल सहित कि सेल भीतर केमती सिग्नल रो ट्रांसडक्शन चलीचे सिग्नल केमती प्रोसेस होचे सेटा जानिबा पाई आमे गोटे पाथवे देखिबा सेटा ला IP3 डाग पाथवे ए पाथवेटा सेल मेम्ब्रेन रे थिबा रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर बा मेम्ब्रेन रिसेप्टर जोटा तुम्हें दी टाइप रो रिसेप्टर पढ़ल इंट्रा सेलुलर सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर से भितर फास्ट जो सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर अंडर रे जाए यार रिसेप्टर है GPCR जी कि गोटे जी प्रोटीन सहित कंटाक्ट रे थाए आउ ए जी प्रोटीन टा एठी ट्राइमेरिक थाए तीन टा पार्ट तार थाए ट्राइमेरिक तीन टा सब यूनिट तार थाए आउ ए जो GPCR टा प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे बाउंड थाए ए GPCR होची तार रिसेप्टर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर IP3 डाग पाथवे पई और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे रिसेप्टर टा प्रेजेंट थाय जेते प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे प्रेजेंट था आउ गोटे जी प्रोटीन सहित लिंक थाय जेते बेडे कोनोसे लिगांड आसीला आउ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर रे बाइंड कला सेते बेडे ए जी प्रोटीन जो थाय सी एक्टिवेट हे जाय सी एक्टिवेट हेला परे से प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपरे ही आउ गोटे एंजाइम थाए फॉस्फोलाइपेज सी बीटा ताकू एक्टिवेट करी दिए ए फॉस्फोलाइपेज सी बीटा जेते बडे एक्टिवेट हे जाए से प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे एबे ही टिकेट रे आगरु मु कहिली कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तयारी हे थाए लिपिड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट रु गोटे टाइप ऑफ लिपिड प्रेजेंट थाए जोटा कि फॉस्फाटिडाइल इनोसिटोल बिसफॉस्फेट ए लिपिड कु ए जो फॉस्फोलाइपेज सी बीटा एक्टिवेट हेला परे ताकू क्लीव करी दिए ताकू भांगी दिए भांगी देला परे दीटा पार्ट रे डिवाइड करी दिए गोटे हेला दीटा प्रोडक्ट तैयारी करे गोटे हेला IP3 आउ गोटे हेला डैग IP3 टा वाटर सॉल्युबल थाए सेइथि पई से डिफ्यूज हे जाए किंतु डैग वाटर सॉल्युबल नो है सेइथि पई से प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे ही रही जाय थाए IP3 कौन करे एबे वाटर सॉल्युबल जेहेतु ये मॉलिक्यूल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल ये एबे इंट्रा सेलुलर लाइगांड भड़िया काम करिवो जीवो आउ ईआर मेम्ब्रेन उपरे थिबा रिसेप्टर कैल्शियम चैनल पई जो रिसेप्टर अछि सेइठी जाईकी बाइंड करि जीवो बाइंड करि सारला परे से चैनल टाकू से खोली देबो खोली देला बेले ईआर भितरे जते कैल्शियम आयन थिबो सबु बाहर को बाहरी जिवे IP3 मीडिएटेड राइज ऑफ साइटोसोलिक कैल्शियम अल्टर्स द पीकेसी टू ट्रांसलोकेट फ्रॉम साइटोसोल टू इनर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ए जो ईआर रो कैल्शियम बाहरी जिवो कहा थ्रू रे IP3 जाई कि ताकू बतेला कि ईआर ईआर तू कैल्शियम रिलीज करे जते बेडे से कैल्शियम रिलीज हे जिवो से जाई कि आउ गोटे प्रोटीन पीकेसी ताकू कहिबो कि तू साइटोप्लाज्म रे आउ रोहना तू जा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाखकु ताकू नै कि जीव प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे आउ मने करो डैग ऑलरेडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे अछि ए कैल्शियम आउ डैग ए दी जण मिसी कि एबे पीकेसी को एक्टिवेट कर देबे एक्टिवेट कर सारला परे इफेक्ट देखा जीव कोन कोन इफेक्ट देखा जीव चलो आउ थरे पाथवे टू देखि देबा
देखो लिगांड आसला सिग्नल मॉलिक्यूल जीपीसीआर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर रे बाइंड कला एई बाइंडिंग हलार जी प्रोटीन ट्राइमेरिक थाए एई पाथवे रे मु कहि सारली से भितरु अल्फा सब यूनिट जो थाए सीए एक्टिवेट हे गला एक्टिवेट केमती हला जीटीपी सहित बाउंड हला एक्टिवेट हे गला जेते बडे जी प्रोटीन एक्टिवेट हला सीए जाई की फॉस्फोलाइपेज सी बीटा नारो गोटे एंजाइम को एक्टिवेट कर देला जोटा कि इनर लिफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे प्रेजेंट अछि प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो भीतर लिफलेट रे माने जो लिपिड रो बाय लेयर थाए भीतर वाला लेयर रे प्रेजेंट थाए एई एंजाइम टा कोन करिवो एई भीतर लेयर रे जो गोटे टाइप रो लिपिड अछि आई पीआईपी2 एई लिपिड को ब्रेक कर दबो एंती मझिरु खंडी दबो खंडी देले कोन हबो आईपी थ्री गोटे तैयारी हो गला आउ गोटे डैग ये डैगटा वाटर सॉल्युबल नुहे से मेम्ब्रेन रे बाइंड होकर रही जाए थे आउ सेकंड जोटा आईपी थ्री ये यू रिलीज हो जीव जीव ईआर मेम्ब्रेन उपर गोटे तार रिसेप्टर थी से बाइंड हो कैल्शियम चैनल को ओपेन करदेव ओपेन करदेला कैल्शियम बाहर को बाहर आउ प्रोटीन काइनेस सी ए साइटोप्लाज्म रे प्रेजेंट थिबो ताकू से कहिबो तू जा प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे बाइंड हबो जाईकी से जाईकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे बाइंड हबो एबे ए कैल्शियम पीकेसी आ एपटर डैग आसीबा ए पीकेसी को एक्टिवेट कर देबे पूरा फुल्ली एक्टिवेट कर देबा ये रेस्पोंस देखिबो आगो को एठी भी देखो सेम पाथवे सिग्नल आसीला रिसेप्टर एक्टिवेट हला जो कि जी प्रोटीन को एक्टिवेट कला फॉस्फोलाइपेज सी को सी एक्टिवेट कला तापर फॉस्फोलाइपेज सी लिपिड पीआईपी2 को ब्रेक कला ब्रेक कर सला पर आईपी3 जनरेट हला और डैग आईपी3 गला ईआर रु कैल्शियम को रिलीज करेला कैल्शियम सेलुलर रेस्पोंस दबो एंड एई कैल्शियम जाई कि पीकेसी को भी एक्टिवेट करिवो एंड पीकेसी को डैग भी एक्टिवेट करे बोथ कैल्शियम एंड डैग दी जण मिसी कि पीकेसी को एक्टिवेट करिवे या आगो को एई कैल्शियम आउ कोन करि पारे एठु रिलीज हे सरला परे सेटा भी हमें देखि देबा चल नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग सेटा भी एई पाथवे रु ही ऑपरेट हे थाय किंतु एठी जो सिग्नल मॉलिक्यूल देखो एसिटाइल कोलाइन थाय ये आसी कि जिते बड़े जीपीसीआर रे बाइंड कला ये जो सिग्नलिंग चलेबो सेठू आईपी थ्री जनरेट हला आईपी थ्री ईआर रु कैल्शियम को रिलीज करे देबो ए कैल्शियम पीकेसी को एक्टिवेट करथला सेठी मन कर किंतु आउ कौन करी पारिबो से काल्मोडुलिन को एक्टिवेट करी पारिबो जाई कि काल्मोडुलिन नार गोटे प्रोटीन थाए साइटोप्लाज्म रे ताकू एक्टिवेट कर देबो काल्मोडुलिन एक्टिवेट जिते बड़े हे गला से कौन करिवो एनो सिंथेज नामक गोटे एंजाइम को एक्टिवेट कर दबो ए एनो सिंथेज कौन करिवो आर्जिनिन रु सिट्रुलिन तैयारी कला बेले से नाइट्रिक ऑक्साइड को जनरेट करिवो ए जो नाइट्रिक ऑक्साइड पाखरे थिबा सेल स्मूथ मसल सेल को जीवो जाई कि गुआनाइनल साइक्लेज को एक्टिवेट कर दबो ये गोटे टाइप रो एंजाइम ये कौन करे जीटीपी रु साइक्लिक जीएमपी तैयारी कर दिए जेते बडे नाइट्रिक ऑक्साइड याकू एक्टिवेट करिवो ये सीजीएमपी बने लागिवो ए सीजीएमपी पुणी आउ जण को एक्टिवेट करिवो प्रोटीन काइनेज जी को आ ए प्रोटीन काइनेज जी मसल रो रिलैक्सेशन करिवो जहा द्वारा कि ब्लड वेसल्स डायलेट कर जिवे ब्लड वेसल रो डायमीटर बढ़ी जिवो हम ए सिग्नलिंग कोठी चालू छी नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग आमरो आम बॉडी रे सब आड़े ब्लड वेसल्स अछि ब्लड तो गोटे ब्लड वेसल्स भाव गोटे पाइप से मझी रे ब्लड फ्लो करू छी ब्लड वेसल्स रो चारि आड़े जो तार एपिथेलियम अछि इनर एपिडर्मिस या एपिथेलियम अछि सीए कोनोसी सेल ऑफ सेल लेयर रे तैयारी हेथिबो ना जो लेयर ऑफ सेल रे से तैयारी हे थाए भावो एटा एटा हला गोटे ब्लड पाइप या ब्लड वेसल्स ये गोटे लेयर ऑफ सेल्स रे तैयारी हे थिवो से जो सेल लेयर रे तैयारी हे थाए ताकू एंडोथेलियल सेल कहा जाए आ या चारि आड़े मसल सेल तो थिबे ना ऑब्वियसली मसल सेल्स थिबे नहले ब्लड मूव केमती करू छी टिके कंट्राक्शन रिलैक्सेशन होउची मूव सेइति पई ब्लड करूची ना तो एंडो इनर लाइनिंग टा ब्लड वेसल रो एंडोथेलियल सेल थाय आ ता उपरे स्मूथ मसल सेल्स
थांती। तो यही जो सिग्नालिन चले से एंडोथेलियल सेल रे ही सिग्नालिन चली था। ये एंडोथेलियल सेल रु जिते बड़े एनो जेनरेट हे एनो पाखरे थिबा पाखरे ना ता ऊपर थिबा स्मूथ मसल सेल को डिफ्यूज कर मसल रो रिलैक्सेशन करिवो जहाँ द्वारा कि ए ब्लड वेसल्स डायलेट कर तार डायमीटर टा बढ़ी जीव रिलैक्स कर कंट्राक्ट करिवनी रिलैक्स करिवो। हले आज आम टोटाली कौन पढ़िलु आज आम पढ़िलु कि सिग्नालिन कौन जोटा कि दीटा सेल मधर जो कम्युनिकेशन होता है। सेकेंड रे आम पढ़ी कि सिग्नाल रो प्लेयर्स किए किए था लाइगान आउ रिसेप्टर लाइगान सिग्नल मॉलिक्यूल था आउ रिसेप्टर जोटा कि टारगेट सेल रिप्रेजेंट थे आउ आम देखीछू जे टाइप्स टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग जो थे कि आम देख लु ओटोक्राइन जक्स्टाक्राइन पाराक्राइन एंड एंडोक्राइन। ऑटोक्राइन निज उप निज से निजे सिग्नल मॉलिक्यूल जेनरेट करके निज ऊपर रिसेप्टर रे बाइंड कले जक्स्टाक्राइन कांटेक्ट डिपेंडेंट थाए पाराक्राइन नियर बाय सेल रे एंडोक्राइन डिस्टेंस सेल पे। आउ कौन देखिलु आउ देखिलु टाइप ऑफ लिगंड टाइप ऑफ लिगंड रे आम देखिलु कि एक्स्ट्रा सेलुलर लिगंड हो पारे इंट्रा सेलुलर लिगंड हो पारे। एक्स्ट्रा सेलुलर लिगंड रे कौन हम से इंटर सेलुलर सिग्नल जेनरेट कर जे कि कम्युनिकेशन बिटवीन टू सेल करेबे देन फाइनाली से इंट्रा सेलुलर सिग्नल ही जेनरेट कराए और रेस्पन्स जेनरेट कराए। सेकेंड इंट्रा सेलुलर लिगंड जदि थिबो जेंती कि तुम्हें देखिलो से पाथवे रे कैल्शियम हो कि डैग हो पीकेसी हो ये सबू हला इंट्रा सेलुलर लिगंड बा सेकेंड मेसेंजर भड़िया जो माने काम करछन्ते से माने हला इंट्रा सेलुलर लिगंड। आउ एमाने कौन करिबे इंट्रा सेलुलर रेस्पन्स जेनरेट करेबे। आउ कौन देखिथिलु रिसेप्टर रिसेप्टर भी दी टाइप रो सेल सरफेस रिसेप्टर एंड इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। सेल सरफेस रिसेप्टर सेल रो सरफेस उपरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपरे थाए बाइंड हेकि इंट्रा सेलुलर साइटोप्लाज्म रे भी रही पारिबो न्यूक्लियस भितरे भी रही पारिबो। सेल सरफेस रिसेप्टर पई सिग्नल केमति थिबो हाइड्रोफिलिक थिबो आउ जोटा इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर पई हाइड्रोफोबिक थिबो। हाइड्रोफिलिक आउ हाइड्रोफोबिक माने कौन फिलिक माने हला हाइड्रो माने वाटर फिलिक माने लविंग वाटर लविंग थिबो ए लिगांडटा किंतु हाइड्रोफोबिक माने कौन हाइड्रोफोबिक माने वाटर को डोरु थिबो वाटर रु दूर रे रहु थिबो काही कि आ पई वाटर हाइड्रोफोबिक सिग्नल मॉलिक्यूल दरकार कारण लिपिड अछि ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे ताकू से क्रॉस करिके जाउछि। आउ तमे एतिके जानिथबो कि लिपिड हो लिपिड कौन फैट अंश तेल एमाने कौन एमाने तो पानी ठू पानी सहित से माने पानी सहित तांकर किछि रिलेशन नै पानी ठू दूरे ही रुहंती से माने पानी सहित मिक्स हुवंती नै सेइथि पई ये हाइड्रोफोबिक हबो आ ये डायरेक्टली पास करे पारे। तापर आमे देखिथिलु कि पाथवेटा पाथवे केमती थिला पाथवेटा थिला जे जते बडे सिग्नल आसी कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हो कि को भी को कार रिसेप्टर जो थाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपरे ताकू ता उपरे बाइंड करिवो बडे गोटे जी प्रोटीन एक्टिवेट हबो जी प्रोटीन फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करिवो ये जाई कि गोटे फॉस्फोलिपिड जोटा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे थिबा फॉस्फोलिपिड इनर लेयर रे थिबा फॉस्फोलिपिड को ब्रेक कर दबा ये दुटा प्रोडक्ट तयारी करिवो गोटे हला IP3 गोटे डैग। IP3 जीवो ईआर रु कैल्शियम को रिलीज करै दबो ए कैल्शियम आउ डैग मिसी कि पीकेसी को एक्टिवेट करैबे आउ ए कैल्शियम आगो को जाई कि एनो सिग्नालिन रे भी काम रे आसी थाए जोटा कि तमे ऑलरेडी देखी सारल एनो सिग्नालिन रे से कौन करुच्छी IP3 जाई कि कैल्मोडुलिन को एक्टिवेट करुच्छी कैल्मोडुलिन एनो सिंथेसाइज करुच्छी आउ ये पाखो सेल रे स्मूथ सेल स्मूथ मसल सेल रे जाई कि ना प्रोटीन काइनेज जी को एक्टिवेट करे कि मसल रो रिलैक्सेशन करे दउछी जहाँ द्वारा कि ब्लड फ्लो हो पारुछी। टोटली तुम ये सिग्नालिन रे कौन देखुछ मुझे जोटा कि फास्ट टू भी कही सारी सिग्नल ट्रांसडक्शन रे गोटे प्रोटीन एक्टिवेट हे से पाख को एक्टिवेट कर से ता पाख को एक्टिवेट कर से आउ कहारी को एक्टिवेट कर एमती गोटे चेन चले सिग्नालिन एटा ही ये अन्य को एक्टिवेट कर डीएक्टिवेट कर गोटे चेन चले सेटा ही है सिग्नाल आ लास्ट रेस्पन्स जेनरेट हे ताने कौन गोटे सिग्नाल आसला से सिग्नाल रो बेसिस रे ही पॉजिटिव सिग्नल हेले पॉजिटिव रेस्पन्स जेनरेट हे नेगेटिव सिग्नल है नेगेटिव रेस्पन्स जेनरेट हे आई सिग्नाल थ्रु रे ही बोथ सेल्स
कम्युनिकेट करिथांति कथाबार्ता हेथांति तांको बंचिबार अछि मरिबार अछि कौशल रे डिवाइड करिबार अछि केमिति कोन करिवे सांगरे चालिबे कि चालिबेनि सब दिस इज ऑल फॉर टुडे आगो को आमे आउ भी देखिबा प्लांट मेटाबॉलिज्म रे आउ कोन कोन टॉपिक अछि जदि आजिर टॉपिक तुमको भल लागिला देन मते कमेंट थ्रू रे जणैबो Thank you.